तो हाय दिस इज अमित और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों की डिमांड पर, जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी और बहुत ज़्यादा ने मेरे को बोला कि प्लीज़ भाई उस लोकेशन पर जाकर वीडियो बनाओ, उस आदमखोर वाली लोकेशन पर। तो मैं आ पहुँचा हूँ उस आदमखोर वाली लोकेशन पर और आवाज़ें सुनाई दे रही है कि आप लोगों को गाड़ियों की। तो मैं बता दूँ, उधर बैक साइड में एक हाईवे है जो अभी तक हमने नहीं देखा था और मेरे को आज दिखा कि क्योंकि रात में तो हमें गाड़ियाँ दिखती ही नहीं है, तो हमें लगता था सिर्फ जंगल ही है, बट दिन में जब आए तो हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं और जंगल इस तरफ में है। अंदर जाना है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वो है, पेड़ हैं और अजीब सा रास्ता है। तो फिलहाल अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं आदमखोर की वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं अंदर जाके हमको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। और प्लीज़ अगर आप लोगों की डिमांड पर मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अभी के अभी जाके पहले लाइक कर दो और चलते हैं अंदर प्लीज़। और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर हम ऐसी ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर हमारी जान का भी खतरा होता है। तो बिना कोई बकवास किए और बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए चलते हैं जंगल के अंदर, लेट्स गो। और आपको ना बैकग्राउंड में ये कुछ साउंड सुनाई दे रहे होंगे कुछ गाड़ियों के और वगैरह, तो मैं बता दूं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हाईवे है जो शायद इससे पहले मैंने भी नहीं देखा था। मेरे को आज ये चीज़ दिखी क्योंकि हम बेसिकली जब भी यहाँ पे आए हैं हम रात में ही आए हैं, दिन में हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। और अभी हम ना जंगल के पीछे की साइड में खड़े हैं, ये दीवार देख रहे हो, हमको दीवार कूद के उस तरफ जाना है और बैक साइड से हमें जंगल के अंदर जाना है। तो चलते हैं जंगल के अंदर और देखते हैं कि क्या पता शायद वो दिन के टाइम हमें दिख जाए और मैं शायद आप लोगों को चेहरा दिखा पाऊँ उस आदमखोर का, शायद कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी अपने जान का खतरा है। तो चलते हैं फिलहाल अभी जंगल के अंदर और ना एक बार ये जंगल देखो, चारों तरफ ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एक हाईवे की आवाज़ आ रही है। और अगर दूर आप लोगों को दिख रहा हो ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो काफ़ी ना अंदर आने के बाद जंगल में जो वो कांटे वाला माहौल था, मतलब जितने कांटे वाले पेड़ थे ना ख़त्म हो गए हैं। मेरे को एक सिंपल यार दुबे ऐसे ही लग रहा है ना कि हम जैसे एक नॉर्मल जंगल टाइप होता है ना ऐसे उसमें घूम रहे हैं। अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसको मैं घूम रहा हूँ, कांटे वाला जंगल। और बस नहीं रियली मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि रात का टाइम जितनी बार भी हम आए हैं, मेरे को दिन में आता टाइम मेरे को ये था मेरे दिमाग में कि शायद हमें जाते ही वहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ मतलब किसी की लाश दिखेगी ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ था मेरे लाशें, मतलब इंसानों की लाशें नहीं, हाँ कुछ जानवर की भी, जानवर का होता है क्योंकि इंसानों की कंप्लेंट है, जानवरों की कंप्लेंट है, बट इंसानों को डराता है कि उसके पास ना आए। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें था, बट यहाँ पे आने के बाद अब मेरे को सीरियसली लग रहा है कि नॉर्मल में एक जैसे जंगल में घूमता हूँ वैसे ही लग रहा है, अभी ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं है। बट फिर भी हम जंगल में चल रहे हैं, अभी हम यहाँ आगे की तरफ जाएंगे, अभी जितना देख रहे हो जंगल लग रहा है, अब वहाँ पे शायद थोड़े हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं और इस साइड में बैक साइड में पूरा हाईवे है, आवाज़ें आ रही हैं गाड़ियों की कंटिन्यूसली। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़ माफ़ करना मेरे को। चलते हैं फिलहाल जंगल में अंदर की तरफ और देखते हैं क्या होता है अंदर। पता है काफ़ी दूर अंदर आने के बाद हमें ना कुछ ही अजीब सा दिखाई पीछे, जैसे चारों तरफ से बंधा पड़ा है और पन्नी है एक टाइप है कुछ, और नीचे जैसे कुछ सोने के लिए बिछा रखा है और इधर ना उसका कुछ एक टुकड़ा है जो शायद फट गया है टूट गया है जो दूसरे पेड़ से बंधा हुआ है। मेरे को लगता है कि शायद वो आदमखोर जो है वो शायद पहले यहीं सोता था या सोता है इस चीज़ के, तो शायद सोता था या सोता है ये मेरे को कंफर्म नहीं है। और अभी मेरी जिस चीज़ पे नज़र गई है ना मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, एक बार ये देखो। ओह शिट ब्रो, ये किसी की हड्डी है और इतनी बड़ी हड्डी मैं नहीं बोलूँगा, हो सकता है सेंसिटिव टॉपिक में चला जाए, तो मे भी हो सकता है नीलगाय वगैरह की हो, वो शायद उसने खाई हो, इस चीज़ को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट अब मेरे को डर लग रहा है इस लोकेशन पर आने के बाद और मेरी नज़रें जो है बार बार इधर उधर है कि शायद वो कहीं से भी आ सकता है और हम पे हमला कर सकता है। तो थोड़ा और इस जगह से हटते हैं दूर, क्या बोलता है पता है। अभी हम ना काफ़ी दूर आ गए हैं जंगल में चलते चलते और जब हम मैं दुबे का टेक ले रहा था तो दुबे को ना कहीं दूर पर ना एक वाइट वाइट कुछ नज़र आया और हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, बट जब हमने पास आके देखा तो वो एक नॉर्मल
बोरा टाइप बोल सकते हो, वो है जो शायद आप मेरे को पीछे देख सकते हो। अभी इस टाइम जंगल में जब हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ हमारी जान का भी रिस्क है, हमें हर एक वो चीज़ जो बहुत साधारण होती है, हमें हर उस चीज़ से डर लग रहा है। लाइक जैसे वो बोरा है, दूर से देखे हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि वो वाइट वाइट क्या है। तो हम इसके पास आके देखे तब हमें थोड़ा लगा कि नहीं, एक नॉर्मल चीज़ है। तो सच बताऊँ तो डर लग रहा है इस चीज़ का कि रिस्क का है। और यहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे एक कटोरी पड़ी हुई है, ये मेरे को थोड़ा फनी लग रहा है। ये देखो यहाँ पे एक कटोरी पड़ी हुई है। अब ये तो आप ये मत कहना कि वो जो आदमखोर था इस कटोरी में वो जानवरों का सूप पीता था तो कुछ भी हो सकता है। बट कटोरी कौन लेके आया? हाँ वो ये भी हो सकता है, जंगल में कटोरी कौन लेके आएगा, ये थोड़ा अजीब सा एक सवाल है। और सच बताऊँ तो डर लग रहा है। एक तो वो जब उस लोकेशन को जहाँ पे ऐसा देख के लगा कि शायद वो पहले रहता था यहाँ पर, रहता है, इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि स्टिल अभी वहाँ पे रहता है या नहीं। और दूसरा जब वो हड्डी दिखी और तीसरा जब ये दिखा तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं जंगल घूमूं और आप लोगों को दिखा पाऊं, दूर से ही सही लेकिन दिखा दूं कि वो आदमखोर दिखता कैसा है, कैसा उसका फेस है, क्या चेहरा है। और हम भी घूम ही रहे हैं बस इसी तलाश में, काफ़ी देर हो गई है। और यहाँ पर सच बताऊँ नील गायें बहुत ज़्यादा है, जो देख के हमको इधर उधर भाग रही हैं, डर रही हैं। तो उसकी आवाज़ें भी आ रही होंगी, शायद कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही होंगी। और फिलहाल अभी घूम ही रहे हम जंगल, दुबे बुरी तरह थक गया है और इसकी ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। तो बोल रहा है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, बोला नहीं जा रहा, एनर्जी आ नहीं रही अंदर से। ये जगह देख रहे हो, इस जगह पर ना इतनी ज़्यादा हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे एक बोल सकता हूँ कि शायद उस आदमखोर ने यहाँ बैठकर अपनी दावत मनाई होगी। और एक बारी मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक ये हड्डियाँ पड़ी हुई है। और इस तरफ दिखाऊँ तो एक वो हड्डी पड़ी हुई है, एक ये रही, मतलब यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर मेरी जहाँ जहाँ नज़र जा रही है ना, मेरे को हर जगह ना हड्डियाँ ही दिख रही हैं। जैसे हर तरफ उस आदमखोर ने ना जानवरों को मार मार के खाया है। और क्या ही बोलूँ, कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि शायद अगर वो हमें दिख जाए तो हम तो बेसिकली इसीलिए आए हैं कि शायद आप लोगों को दिखा पाए, लेकिन इस दिखाने के चक्कर में हमें इस चीज़ का भी डर है कहीं हमारी जान पे ना बनाए, क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है ऐसी जगह पर आके वीडियो बनाना जहाँ हमको मालूम है पहले से कि वो आदमखोर है। क्या हुआ? जहाँ हमको पहले से मालूम है कि वो आदमखोर है और वो लोग मतलब जानवरों को मारकर खाता है और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम घूम ही रहे हैं, देखते हैं शायद मे भी हमें दिख जाए वो। उन्हें कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखी, जैसे वहाँ पर घड़ी है, मोबाइल का केस कवर पड़ा है। और हमें ना वहाँ पर कुछ दूरी पर ना ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ है। और दुबे ने ना अभी डंडा वंडा तोड़ लिया और हम जा रहे हैं देखने के लिए वो क्या है। चले दुबे, अरे यार बैठा हुआ नहीं है, सिर्फ एक चादर है। मैं दूर से देख के डर गया कि ये तो ना ऐसी एक चादर सी है और वहां से देखने से लग रहा था कोई बैठा हुआ है। तो प्रैंक हो गया आपने क्या बोलूँ, मेरे को तो हंसी आ रही है। हम वहाँ पे ना पीछे इतने तेज डर गए थे कि हमें शायद लगा था कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, बट हम जब पास में आए ना तो यहाँ पर एक कंबल पड़ा हुआ है। सच बोलूँ तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भूत भी है ना, वो जो आदमखोर है, वो हमारे साथ प्रैंक खेल रहा है, वो चीज़ें गिरा गिरा के डरा रहा है। और बट सच बताऊँ तो ये चीज़ें देख के अजीब सा भी लग रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। और ये देख के तो मेरे को भी सच में बहुत तेज हंसी आई कि क्या हो रहा है ये हमारे साथ, यहाँ तक देख के डर गए, प्रैंक हो गया हमारे साथ। और अभी भी दुबे बोल रहा है कि हम और अंदर के जंगल जाए, अंदर जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि अभी तेरे में हिम्मत है चलने के अंदर। वीडियो को लाइक करें ना, हिम्मत बन जाएगी। हाँ वीडियो को लाइक कर। तो पूरा जंगल फाइनली घूमने के बाद, बहुत बुरी तरह थकने के बाद और दुबे की तबीयत खराब होने के बाद, फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें शायद इस जंगल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिवाय उन हड्डियों के, कपड़ों की, घड़ियों की और
मोबाइल के कवर के और एक वो छोटा सा जो लास्ट में हमारे साथ प्रैंक हुआ, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखा। क्या कह रहे हो, बहुत कुछ दिख गया। हंसी भी आ रही है, डर भी लग रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस लोकेशन का, इस आदमखोर पार्ट, आदमखोर वाली लोकेशन का और आदमखोर वाली जगह का वीडियो दोबारा आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, तो नाइट पार्ट भी मैं यहाँ पर बनाऊँगा बहुत जल्द। और हो सका तो मैं यहाँ पर आऊँगा अकेले, क्योंकि आज तो मेरे साथ ओम भाई हैं, दुबे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इस लोकेशन का ना अकेले आऊँगा, यहाँ की वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों तक शेयर करूँगा, दिखाऊँगा कि क्या होता है यहाँ पर। और अगर इन केस ऐसा हुआ तो क्या बोलता है दुबे भाई, 24 आवर चैलेंज करेंगे? हाँ, अगर दुबे अभी हाँ कर देगा तो ऑन वीडियो करें 24 चैलेंज। जान पा जाएगी तो ये सब्सक्राइबर बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम यहाँ का 24 आवर चैलेंज करें तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, और ज़्यादा नहीं, बस मेरे को 1000 लाइक चाहिए मेरी वीडियो पे, और तो हम यहाँ का 24 आवर चैलेंज वीडियो कर देंगे। और फिलहाल मैं अभी यहाँ से निकल जा रहा हूँ बाहर निकलने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चेहरे को पहली बार अपने स्क्रीन पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है भाई, दिल से थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, ताकि थोड़ा सा अच्छा व्यूज़ मिलेगा, मेरे को अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो निकलते हैं इस जंगल से और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर, हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।